कांग्रेस लगातार राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पछवादून प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार को ज्ञापन दिया है कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है दिन दहाड़े लूट हो रही है कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस सत्ता पक्ष के लोगों पर कार्रवाई करने से बच रही है वहीं प्रदेश में लगातार आ रहे समुदाय विशेष से जुड़े हुए मुद्दों पर कांग्रेस ने कहा कि जो दोषी है उसको सजा मिले लेकिन एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए इसके अलावा कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रदेश में नशा तस्करी बढ़ रही है जिस पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है, जिहाद का, जो पूरे प्रदेश में चल रहा है एक हफ्ते में चार बाजार बंद है तो 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 तो